औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ौलुहुम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिय लहुम इन्नल्लज़ीना इख़्तलफ़ू फ़ीही लफ़ी शक़्क़िन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्म इल्ला इत्तिबाअज़्ज़न वमा क़तलूहु यक़ीनन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Respected viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu। जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी है ये सूरह अन-निसा चैप्टर 4 वर्स 157, ये एक वाहिद आयत है कुरान मजीद में जो पूरी क्रिश्चियनिटी को ख़त्म कर देती है। किसके बकौल? पॉल के बकौल। पॉल जो है इनका जो सेल्फ इलेक्टिव डिसाइपल है क्रिश्चियनिटी में, इसको पॉल रसूल बोलते हैं, ये पौलुस बोलते हैं। 1 कोरिंथियंस चैप्टर 15 में पॉल कहता है कि अगर क्राइस्ट ईसा अलैहि सलाम को सलीब नहीं हुई और वो नहीं उस पर इंतकाल करे, सलीब पे कफारा नहीं भरा, तो हमारी जितनी भी प्रीचिंग है सब बेकार, क्रिश्चियनिटी खत्म। इफ द क्राइस्ट हैज नॉट रिजन फ्रॉम द डेड आवर प्रीचिंग इज इन वेन एंड आवर रिलीजन इज वेन। 1 कोरिंथियंस चैप्टर 15। और ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्रिश्चियनिटी का सारा दारो मदार सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़ा है कि क्राइस्ट डाइड फॉर आवर सिंस। और अजीब बात है कि पॉल जब ये बात लिख रहा है तो वो ये कहता है कि क्राइस्ट डाइड फॉर आवर सिंस अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। अब वो किस स्क्रिप्चर की बात कर रहा है ये तो अब क्रिश्चियन पादरी ही बताएगा। मती, मार्कस, लूका, यूहन्ना तो लिखे नहीं गए थे, तो पॉल जो था वो किन स्क्रिप्चर्स की बात कर रहा था कि जो हज़रत ईसा अलैहि सलाम की इवेंट्स या क्रूसिफिक्शन के सारे इवेंट्स जो हैं वो लिखे गए हों, ये तब आपको पादरी ही बताएगा। बहरहाल पॉल ने ये कह दिया कि इफ़ द क्राइस्ट इज़ नॉट रिजन फ्रॉम द डेड आवर प्रीचिंग इज़ वेन आवर रिलीजन इज़ वेन इन अदर मीन्स क्रिश्चियनिटी हैज़ नथिंग टू डू। कोई मोरालिटी, कोई ये शरीयत या कोई असूल या कोई जवाबित, उस पर कोई चीज़ खड़ी नहीं है, सिर्फ एक रिलेशनशिप पे खड़ी है कि खुदा ने अपने बेटे को भेजा और वो सलीब पे चढ़ा हमारे कफारा भरने के लिए, जो अब्दी गुनाह है, वो जो फल खाया उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लिहाजा उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो गुनहगार हो गई है और खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया। अब मैं आता हूँ असल मौजू की तरफ। सुबहान अल्लाह, मैं जब ये आयत पढ़ता हूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने ये बात कितनी सख्त तरीके से कही है, जिसको आप कहते हैं बहुत इम्फेटिक, डॉगमेटिक, इम्प्लिसिट, संक्सिंक्ट, मतलब कोई चीज़ इतनी क्लियर कि हिस्टोरियंस भी ना देखे गए, कोई चीज़ देखी ना गई, बिल्कुल एक खड़ी बात कर दी, खरा से कहते ना, खरा सच। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? वक़ौलिहिम, और वो कहते हैं कौन? यहूदी। ये जो बहस करते हैं ना क्रिश्चियन आज की, ये तो रोमियों ने सजा दी थी, तो यहूदियों ने तो दी नहीं थी। ओ भाई, यहूदियों के ही सारे खेलते हैं। अपनी बाइबल पढ़ें, सैनहेड्रिन जो थी वो किसने की थी? मिडनाइट ट्रायल किसने किया था? यहूदियों ने जब इल्जाम लगाया तो क्या था सैनहेड्रिन की जो मिडनाइट ट्रायल हुई थी, जो यहूदियों की अदालत है, उसमें क्या बात हो रही थी? उसने कहा था कि ये जो शख्स है ये कहता है ये खुदा का बेटा है, और ये रीजनिंग जॉन चैप्टर 10 वर्स 30 में जब ये आप कोटेशन कोट करते हैं ना कि आई एम अ फादर और वन, उसमें ईसा अलैहि सलाम ने बड़ी क्लियर किया कि इज इट नॉट रिटन इन योर लॉ, कि तुम्हारी तौरात में नहीं लिखा हुआ कि जी आर गॉड्स, कि तुम सारे गॉड्स हो और तुम मुझे करते। 2 कोरिंथियंस 4:4 एंड द डेविल इज द गॉड ऑफ द अर्थ, आपकी बाइबल में लिखा शैतान। फिर बुक्स ऑफ एक्सोडस में लिखा बिहोल्ड आई हैव मेड यू अ गॉड टू फेरो, मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा कह रहा है, एंड योर ब्रदर एज अ प्रॉफिट, और तुम्हारा जो भाई हारून अलैहिस्सलाम है उनको नबी। तो बाइबल की इस्तलाहात में अगर आप देखा जाए बेटा कहना, ये कहना, तो किसी को डायरेक्ट खुदा कहना कि ये आर गॉड्स, ये तो आपकी बाइबल में लिखा है 82nd Psalms में, तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम पे फॉल्ट ढूंढे जा रहे थे, कौन कर रहा था ये सारे खेल तमाशे, बंदर बांट? यहूदी। बड़े आराम से आप कह देते हैं तो रोमियों ने किया। भाई पॉन्टियस पायलट को क्या इंटरेस्ट था? पॉन्टियस पायलट की तो बीवी ने ड्रीम देखा था आपकी बाइबल के मुताबिक nothing or no harm should come to this just man. इसको कोई नुकसान ना है, ये बड़ा सीधा और सादा आदिल बंदा है। ये क्या, ये शैतान ने ख्वाब दिखाया था उसकी बीवी को, पोंटियस पाइलेट की? बताएं मुझे, ये शैतान ने ख्वाब दिखाया था या खुदा ने दिखाया था? इसका पर्पस क्या, इसकी लॉजिक क्या ख्वाब की कि भाई शख्स को कोई तकलीफ ना है और आप लोगों ने, आपके बकौल आपने दी, तो पॉइंट क्या था उस ड्रीम का? मुझे बताएं तो सही ना। जब पोंटियस पाइलेट की बीवी ने ड्रीम देखा था कि नथिंग और नो हार्म शुड कम टू दिस जस्ट मैन, व्हाट वाज द पॉइंट? फिर बाराबास को छोड़ दिया और ईसा इस्लाम को सूली पे जा दे, और पोंटियस पाइलेट कहता है ये जो हेरोड के पास भेज दो, हेरोड कहता है भाई ये मेरा काम नहीं, हेरोड कहता पोंटियस पाइलेट के पास भेज दो। ये रूमी और ये जो यहूदी थे क्या कर रहे थे? फिर यहूदियों ने चार्ज लेकर कौन गया रोमन्स के पास? यहूदी। किसकी नीयत? यहूदी। वक़ौलिहिम, कौन अल्लाह फरमाते? यहूदी। इन्ना क़तलना मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह, कि हमने ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह को खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया। ये बोस्टिंग, ये पॉइंट किसका था, ये नोशन किसका था? यहूदी का। बहरहाल पोंटियस पाइलेट कहता भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, फलाना कहता है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहरहाल बाद में जो पोंटियस पाइलेट, उसने कहा ठीक है तुम मेरे हाथ जो है ना ये खून में ढाल दो, पानी में उससे डुबोएगा, ठीक है इस बंदे का खून मेरे सर, तुमने ने एक इनोसेंट बंदा था। लेकिन चार चेक करें, जब सैनहेड्रिन हुआ तो कहते हैं कि ये अपने आप को कहता है कि सन ऑफ गॉड है, और ईसा इस्लाम ने बड़ी आराम से फरमाया कि मैंने तुम्हें कई दफा बताया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन तुम खाम का फॉल्ट ढूंढते हो। उन्होंने रीजनिंग पर रीजनिंग उनको समझाया कि जॉन चैप्टर 10 वर्स 31 32 33 फरमाया कि ये जो तुम सारी बातें मुझ पे जो इल्जाम लगाते हो और ये तुम कहते हो सन ऑफ गॉड, ने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, तुम तो अपने तुम्हारी तो किताबों में तुम्हें खुदा ने डायरेक्ट कहा कि तुम तो खुदा हो, और तुम फॉल्ट ढूंढते हो कि मैंने अपने आप को खुदा का बेटा कह दिया, तो इसमें क्या बड़ी बात होगी? क्या आदम अलैहिस्सलाम को नहीं कहा गया खुदा ने बेटा? लूक चैप्टर 3 वर्स 38 में नहीं कहा, जब जीनियोलॉजी लिखी एडम और एंड में लिखा द सन ऑफ गॉड? वो नजर आया कभी आप लोगों को? हत्ता कि बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में कभी भी ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने नहीं कहा कि यू आर माय सन, सन ऑफ गॉड, नेवर। ये तो पॉल की सारी बातें, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का डायरेक्ट आया आदम सन ऑफ गॉड। अब बताएं आप, ये आप लोगों को ये चीजें कभी नजर आई है? नहीं, कभी नजर नहीं आई। बहरहाल अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलना मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह, और ये कहते हैं घमंड में, बोस्ट में, कि हमने कत्ल कर दिया ईसा इब्न मरियम जो रसूल था अल्लाह का। अल्लाह पाक आगे से जवाब देते हैं, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, neither they killed him nor they crucified him, ना उनको मारा गया किसी भी तरीके से, किसी भी मैनर से, ठीक हो गया, और ना उनको सलीब पे चढ़ाया गया किसी भी तरीके से, किसी भी मैनर से। ये जो लोग कहते हैं ना कि जी वो सलीब पे चढ़े लेकिन वो उन्होंने डेथ को कॉन्कर नहीं किया, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह पाक फिर नफी करे दोनों चीजों की, वमा कतलुहु, ही वाज नॉट किल्ड बाय एनी मींस, वमा सलबुहु, और ना वो सलीब पे चढ़ाए गए एक सेकंड के लिए भी। कौन चढ़ा ये तो क्रिश्चियन बताएगा। अगर ये कहते हैं जी यीशु मसीह चढ़े थे, तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा था माय गॉड व्हाई दाउ हैस्ट फॉरसेकन मी, ओ मेरे रब तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने क्यों मुझे रुसवा कर दिया? ये होता है तरीका सलीब पे चढ़ने का। बताएं एक नबी कह रहा है और आपके तो खुदा के बेटे थे, और आपने तो कहा था कि भाई उनका तो कोवेनेंट था शुरू से, और वो सलीब पे कह रहे अल्लाह तूने तो मुझे जलील कर दिया, रुसवा कर दिया। ये है आप लोगों की सल्वेशन। बताएं ना हमें, हमें भी तो समझाएं, ये क्या ही सेंस बनती है इन बातों की? नहीं बनती। असल में गॉस्पल ऑफ बर्नाबास जो है, जिसको आप मानते नहीं, तो लिखा हुआ है, और मुख्तलिफ जो गॉस्पल जिनको आप ड्यूबियस कहते हैं, अपोक्रिफल नहीं बोलते, उनमें सारी बातें आई हुई। असल में ये था कौन जो बोल रहा था? ये असल में उनका एक हवारी था जो उसकी शबी बन गया, और शबी बन के उसने बोला खुदा मैं तो जलील हो गया आज। नहीं तो सेंस नहीं बनती, यसू और मसीह कैसे ये बात कह सकते हैं, जबकि आप कहते हैं कि उनका ये एग्रीमेंट था और वो डिलिबरेटली ये सारे काम कर रहे थे। तो डजेंट मेक सेंस। क्या ड्रामेटाइजिंग थी ये ड्रामा चल रहा है कोई? ऐसे नहीं होता, लॉजिक नहीं जाती इसके साथ। आपको भी पता है कि इट्स नॉट लॉजिकल एट ऑल। बहरहाल तो अल्लाह ने आगे से कहा वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना वो चढ़े ना वो सिर्फ किसी तरह, ना वो वहां पे कत्ल हुआ किसी मींस पे भी। वलाकिन शुब्बिया लहुम, इनको ऐसा लगा, इट अपीयर्ड टू देम सो, उनको ऐसा लगा कि उन्होंने ऐसा किया। और जितने भी लोग थे उनके इर्द गिर्द इन सारे मामलात में लफी शक मिन्हु, उनको शक था, डाउट्स थे। क्यों? क्योंकि मा लहुम बिही मिन इल्म, उनके पास कोई सर्टेन नॉलेज नहीं था। हुआ क्या? इल्लतिबाअज़न व इन्नल्लज़ीन नख्तलफू फीही, और जो वहां पे उनके बीच में इख्तलाफात में पड़ गए थे, हुआ क्या? चढ़े कि नहीं चढ़े? क्यों? ये भी मैं आपको बताता, क्योंकि मार्क चैप्टर 14 वर्स 59 में लिखा है, द मोस्ट क्रिटिकल जंक्चर एट द टाइम ऑफ जीसस, एट द लाइफ टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज ऑल हिज डिसाइपल forsook him and fled away. तमाम हवारी जो थे वो उनको छोड़ के चले गए थे। यही तो वजह है सारी जो एक कंफ्यूजन है। वह इन्नल्लज़ीन नख्तलफू फीही लफी शक्किम मिन्हु, और जो उनमें से वहां डाउट करे थे उनको एक शक था, पता नहीं क्या हुआ। मा लहुम बिही मिन इल्म, दे डोंट हैव एनी सर्टेन नॉलेज। एक नॉलेज होता है सर्टेन, मतलब पक्का श्योर, कोई नॉलेज नहीं। सब हियर सेज, कहानियां सुनी हुई, बातें सुनी हुई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ है। इल्लतिबाअज़न, और वह तमाम जितने भी थे कंजक्चर को फॉलो कर रहे थे, मतलब एक सुनी हुई बात, एक मन घड़क बात, एक अफसाना, एक बात, एक शोशा, उसको फॉलो कर रहे थे। फिर अल्लाह ने आगे से सर्टेनिटी दी, वमा कतलूहु यकीनन एंड फॉर श्योरिटी दे किल्ड हिम नॉट। आप बताएं, साबित करें अपनी बाइबल से कि क्या वो फौत हुए, क्या उनको स्लीप हुई? आप कभी भी नहीं साबित कर सकते अपनी ही बाइबल से। अल्लाह की ये जो एक आयत है, ये पूरी क्रिश्चियनिटी के सर के ऊपर एक स्लज हैमर है। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये क्रिश्चियन भी अब जानता है, अंदर अंदर क्रिश्चियन जानता है कि स्लीप अफसाना ही लगता है क्रिश्चियन, क्योंकि सब जानते हैं। 4 गॉस्पेल्स में जो कॉन्ट्रडिक्शंस है लास्ट चैप्टर्स में, कि हुआ क्या, संडे मॉर्निंग हुई कि नहीं हुई, फिर फलानी चीज हुई कि नहीं हुई, कितने लोग थे वहां मौजूद, कितने लोग नहीं मौजूद थे, टूम किसने रिमूव किया, क्यों किया। ईसा अलैहि सलाम ने लूक चैप्टर 24 वर्स 34 में क्या फरमा रहे हैं कि स्पिरिट हैज नो फ्लैश एंड बोन्स एज यू सी मी हैव, हैंडल मी एंड सी, डू यू हैव एनीथिंग टू ईट, मीट, ब्रॉयल फिश, हनीकॉम, एंड ही टुक इट एंड ही एट। ये सारी बातें क्या साबित करती हैं? वो फरमा रहे हैं स्पिरिट हैज नो फ्लैश एंड बोन्स एज यू सी मी हैव। तो अगर रेजरेक्टेड बॉडी थी तो फिर स्पिरिट क्यों थी इनके जिस्म में? बताएं, जिस्म में हड्डी क्यों थी, गोश्त क्यों था? ये कहते हैं जी खून तो नहीं था। तो रूह की क्या ये डेफिनेशन होती है कि खून ना हो तो फलानी चीज ना हो? ये कहाँ की बातें हैं? आप हमें बातों की कोई वजूद दिया करें। हवाई फायर ना छोड़े, हवाई फायर तो फिर हम भी छोड़ सकते हैं। नहीं भाई, इसका ऐसा मतलब नहीं, ऐसा मतलब था। पॉल ने बोला कि जब कोई फिजिकल बॉडी अंदर जाती है कब्र में, तो वो फिर रूहानी निकलती है, रूहानी, स्पिरिचुअल बॉडी। पॉल ने कहा, ईसा अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि हैंडल मी एंड सी, ए स्पिरिट हैज नो फ्लैश एंड बोन्स एज यू सी मी हैव। तो पॉल कहता है जब बॉडी रिजरेक्ट होती है वो स्पिरिचुअल होती है। ईसा अलैहि सलाम कह रहे हैं स्पिरिचुअल बॉडी में हड्डी गोश्त नहीं होता, भाई खून कहां से आ गया? तो वो बता रहे हैं कि मैं तो वही हूं। और याद रखिएगा, ऑल 4 गॉस्पेल्स आफ्टर द अलेज्ड क्रूसिफिक्शन एक दफा भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया मैं मर गया और जी उठा, एक दफा भी नहीं आया। बुक ऑफ रेवलेशन की कोटेशन दे देंगे, वो तो हम माने नहीं, हमने कहा ही नहीं। हम कह रहे हैं गॉस्पेल्स जो उनके विटनेसेस थे, टेस्टिमेंट्स थे, उसके अंदर एक दफा भी ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया कि आई वॉज डेड एंड नाउ आई एम रिजरेक्टेड, आई एम अलाइव। जहां ईसा अलैहि सलाम फरमा रहे हैं वो कह रहे हैं आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। कहीं भी ये वर्ड नहीं आया कि आई वॉज डेड And I'm resurrected। अगर आया तो मुझे दिखाएं किधर आया। वो तो कह रहे हैं I'm alive, I'm alive, मैं तो जिंदा हूं, जिंदा हूं, मर के जिंदा हूं नहीं कह रहे वो। ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, खुदावन यीशु मसीह मर के जिंदा हो गए, जलाली, भाई मुझे समझ नहीं आती कि इसमें जलाल क्या है। आपने कहा खुदा ही मर गया, खुदा मर के जिंदा कर दिया, इसमें जलाल क्या हुआ? भाई जलाल तो अल्लाह की ये होती है कि वह कब का जिंदा है, उसकी ना कोई शुरुआत, उसकी ना कोई आखिरत है। ये जलाल होता है, दिस इज द मैजेस्टी ऑफ गॉड। आपका जो दिमाग है ना, वो असल में हो गया हुआ है क्रिपल्ड, इसको क्रिपल्ड माइंड कहते हैं। ये जिसको कहते हैं ना कॉग्निटिव डिसोनेंस, क्रिश्चियनिटी कॉग्निटिव डिसोनेंस का बदतरीन शिकार है। कभी भी आप सोचे, इमेजिन करें एक शख्स आके कह रहा है कि जिंदा खुदा। अच्छा भाई जिंदा खुदा कैसे? जी वो मर के जिंदा हो गया, ये जिंदा खुदा की तारीफ है, मर के जिंदा हो गया। बहरहाल आज के जो क्रिश्चियन है ना पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत ज्यादा ही जबान चलाना शुरू हो गया है, और इनकी जो मिशनरीज कंपेन्स है ना वो हमें नजर आ रही है। लेकिन एक बार याद रखिएगा, उलमा जो है ना वो बैठे हुए हैं पीछे, वो आपकी जबानों को लगाम देने के लिए बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी लगाम जो है ना वो तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को दे दी हुई है। हमारे कुरान में अल्लाह पाक ने फरमा दिया हुआ ना कि ये इल्लतिबाअज़न है, तो बताएं साबित कर दें कि ये जन नहीं है। आए ना, आके साबित करें धाई-शाई की बातें ना करें, ये आपके फंडामेंटल्स हैं। क्रूसिफिक्शन के टॉपिक पे बात करें ना डिटेल में, कहानियां, अफसाने, स्टोरीज, हिस्ट्रीज। ओ भाई, अपनी बाइबल से साबित करो, हिस्ट्रियां क्यों कोट करते हो? तुम्हारी बाइबल में जो ऑथर्स हैं उनके तुम्हें नाम नहीं पता और हिस्टोरियंस की तुम कोटेशंस कोट करते हो। तो लिहाजा शुरुआत आप लोगों ने की थी, एंड हम करेंगे इसको, इन सारे मैटर्स को। क्यों क्रिश्चियन मिशनरी भेजे हिंदुस्तान में? बताओ ना, कौन से मुसलमान के मिशनरीज गए थे तुम्हारे मुल्कों में कुरान हाथों में लेके? तुम लोग ही आए थे ना। तुम लोगों ने आगे का यीशु मसीह को मानो, ऑस्ट्रेलिया में गए, नॉर्थ अमेरिका में गए, ये पोर्टुगीज, ये सेलर्स शिप्स के अंदर बैठ बैठ के गए, ये जो साउथ अफ्रीका, उधर क्रिश्चियन मिशनरीज गए, ये वेस्ट का पूरा जो नॉर्थ है, ऊपर से नॉर्थ से लेके साउथ अमेरिका, उधर ही क्रिश्चियन में। अमेरिका कौन था? अमेरिका किसके नाम से बना? क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था? बुद्धिस्ट था। बताएं ना ये सारी बातें, लोगों को बताएं। 99.9 पीपल एथनिक क्लेंजिंग आप लोगों ने कत्ल किए क्रिश्चियंस ने। बाइबल आप लोगों के हाथ में होती थी उस वक्त, और वहां पे आपने नॉर्थ अमेरिका साइड पे सबको कत्ल किया। किधर है वो नेटिव अमेरिकन, किधर है वो एबोरिजिनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया? बताएं हमें। बस बातें। कैरेबियन आइलैंड था, कैरेबियन आइलैंड में पहुंचा तो वहां रेड इंडियन का नाम लगा के आ गए, क्रिस्टोफर कोलंबस। आज भी उसका स्टैच्यू है, थोड़ा था ना, कालों ने सुटा था बाहर फेंक के, इसलिए फेंका था। बातें करनी, बाइबल लेके तब ले जाना, रीजन करनी कोई नहीं। पादरी जो है वो पैसे ले जाता है, बात करता कोई नहीं। आए ना बात करें, हमें भी पता नहीं। इंटरनेशनल पैनल पे बात करें इन टॉपिक्स के ऊपर भी, देखेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया वमा कतलुहु यकीनन एंड फॉर श्योरिटी दे किल्ड हिम नॉट। मैं सिर्फ एक वर्ष पे आज जो है ना इंट्रोस्पेक्शन करूंगा, और वो ईसा अलैहिस्सलाम, यीशु मसीह के अल्फाज हैं। और क्रिश्चियन बहुत अच्छी तरह से ये वर्ष जानता है, और ये बड़ी क्लासिकल हिटिंग है, और आज तक वो इसका एक प्रोफाउंड जवाब नहीं दे सके, ना वो दे सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह पाक का कलाम है। अल्लाह ने फरमा दिया ना कि इनको सब जन है, और मैं ये जन और ये कंजेक्चर मैं आज इंशाल्लाह साबित करूंगा, लेकिन एक वर्स के साथ, फ्यू पॉइंट्स के साथ। इसकी डिटेल इंट्रोस्पेक्शन पे मैं नहीं जाऊंगा, ताकि बात लोगों को समझ आए। इन्होंने कहा जी यीशु मसीह को सलीब हो गई, और भाई मानो, यही हुआ। बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती, इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे यही सपोर्ट करते हैं। उनमें कंफ्यूजन है, वहां पे यही सपोर्ट होती है कि हर वक्त ईसा अलैहि सलाम क्रूसिफिक्शन के बाद बकौल एलेज्ड इन्वर्टेड कॉमास वो हमेशा यही बता रहे हैं कि आई एम सेम फेलो मैन, आई एम सेम, आई हैव नो स्पिरिट एंड बोन्स एज यू सी मी आई फ्लैश। स्पिरिट के पास रूह और हड्डी नहीं होती जो तुम भी मुझ में देख रहे हो। क्यों डरते हो? लूक में 24:35 में लिखा हुआ है एंड दे वर अफ्राइटेड Because they thought that they saw a spirit. हवारी उन जितने भी थे वो डर गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा, उनको लगा कि स्पिरिट आ गई है। तो फिर हज़रत ईसा ने शोर किया, ना ऐसा ना समझो। क्यों? क्योंकि पॉल और यहूदियों का ये कॉन्सेप्ट है, जब इंसान मर जाता है तो वो रूहानी हो जाता है, और रूहानी के पास ज़ाहिर है बॉडी जिस्म ना हुआ। अगर रूह के पास ही बॉडी जिस्म है तो फिर रूह की डेफिनेशन आप बता दें हमें। पॉल ने तो बता दी है कि फिजिक वट एवर सोन एज अ फिजिकल विल रेज एज अ स्पिरिचुअल, whatever sown as a weakness will raise as a power and glory. ये तो पॉल की टीचिंग्स है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी फर्दर ये बात बताई कि जब मरने के बाद है all will be resurrected bodies, और पॉल ने resurrected body की डेफिनेशन दे दी। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी फरमा दिया कि स्पिरिट हैज नो फ्लैश एंड बोन्स एज यू सी मी, नहीं है तो बता दे फिर भी resurrected body किस चिड़िया का नाम है, आप हमें बताएं। हाँ, और लेकिन बताने से पहले हमें यीशु मसीह के मुंह से बताना है, अपने मुंह से नहीं। अपने मुंह से बताना क्या? चर्च की बात बता देंगे चर्च पे, वो फिर हम भी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। हर क्रिश्चियन अपनी ही इंटरप्रिटेशन करता है, हर चर्च अपनी ही इंटरप्रिटेशन करती है। लेकिन इनसे जब बात करो तो कहते हैं जी हमारे पास एक असूल है, हमारे अंदर रूहुल कुदस है जो हमें इंटरप्रिटेशन करवाती है, आपके पास नहीं है। तो भाई 3000 जो सेक्ट्स और डिनोमिनेशन कालों में है उनके अंदर भी रूहुल कुदस है। 5000 डिनोमिनेशन सेक्ट्स जो है, जो वाइट्स हैं क्रिश्चियनिटी, उनके अंदर भी रूहुल कुदस है। रेवरेंड जिम जोन्स जिससे 911 बंदे ऑल कमिटेड सुसाइड बाय टेकिंग साइनाइड एसिड, उनके अंदर भी रूहुल कुदस थी। अमेरिका के अंदर जिसको टेंपल कल्ट बोलते हैं, या टेंपल जो भी इनका एक नाम था, जो उन्होंने एक सिटी बनाई थी वहां पर, बताएं ये चीजें कहां से जिनके पर। तो ये भाई जो गायबाना बातें हैं ना, इनसे रिलीजन नहीं चलता, ये दावे से रिलीजन चलता, दलील से। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं सूरत अल बकरा चैप्टर 2:111-111 वक़ालू लन यदख़ुलल जन्नता इल्ला मन काना हूदन अव नसारा। और ये जूस एंड क्रिश्चियंस बोलते हो मुसलमानों तुम कभी भी जन्नत नहीं जाओगे, अल्लाह पाक फरमाते तिल का अमानी यहूम। अब ये बोलते हैं ना कि स्लीप पे नहीं माना, कफारे को नहीं माना, तुम्हारे लिए कोई जन्नत नहीं। ये क्रिश्चियन का दावा है। दे कॉल अस हीदन ट्राइब्स और जूस कॉल अस गोयम्स एंड जेंटाइल्स लम्प्ड अप विद क्रिश्चियंस। तो अल्लाह ने फरमाया इनसे कहो कुल, अल्लाह ने फरमाया तिल का अमानी यहूम कि नबी इनसे कहेंगे इनके ख्याली पलाव है, विशफुल डिजायर्स, बैबलिंग, हेलुसिनेशंस। कुल इनसे कहें हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अपना बुरहान तो पेश करो इन सारी बातों का अगर तुम सच्चे हो। दिखाओ बाइबल में, हमें साबित करो हम मुसलमानों वाले अकीदे वाले लोग जहन्नमी हैं अपनी बाइबल से। लेकिन यसू अल मसीह अथॉरिटी है, पॉल नहीं। हमें पॉल से कोई गरज नहीं है, लेना देना नहीं है। पॉल के बारे में तो बरनबास बाइबल में कहता था, वो तो हाथ ही नहीं मिला रहा था। वो कहता ये तो शख्स पे तुम्हें एतमाद ही नहीं करता, आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। Barnabas was reluctant to join hands with the Saul of Tarsus. क्यों लिखा? ये कहां की बात नहीं, बताए ना हमें, बताएं हमें इसकी एक्सप्लेनेशन दें। लेकिन यसू अल मसीह के अल्फाज से, अपनी नहीं, चर्च की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, स्कॉट्स की हमें कमेंट्री नहीं चाहिए, हमें कमेंट्री चाहिए यसू अल मसीह की। जिस तरह हमारे पास कमेंट्री है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह पाक फरमाते हैं चैप्टर 16 वर्स 44 सूरह नाहल कि नबी हमने आप पर यह कुरान नाजिल फरमा दिया, अब आप इसको बयान करें। ये नहीं कि हमने आपको एक टेस्टामेंट दे दी है, आपका और ऑथर्स का नाम भी ना बताइएगा, अपनी तारीख भी ना बताइएगा, लेकिन लोगों को कहिएगा चर्च इसकी ट्रांसलेशन कर दे। आप इमेजिन करें बाइबल के अंदर, आप जाएं पादरियों के पास, इनसे पूछें 2 Kings, 1 Kings, 2 Samuels, 1 Samuels, 1 Chronicles, 2 Chronicles इनके ऑथर्स कौन है, मुसन्निफ कौन है, इनसे पूछे जाके, इनसे पूछे इनके मुसन्निफ कौन है भाई, किसने लिखी है ये बातें। आपको देखना जवाब ही नहीं मिलेगा। ये जो लास्ट बुक ऑफ रेवलेशन है जॉन द एल्डर, ये कौन है, पूछे इसकी बायोग्राफी दे। जॉन जो यूहन्ना जिसने लिखी है ना, मत्ती, मार्कस, लूका, यूहन्ना, इन चारों की बायोग्राफी लेकर आए सनद के साथ। क़यामत की सुबह तक इस सनद के साथ पेश नहीं कर सकते। सनद होता है, इनको सनद भी बताना पड़ेगा क्या होता है। सनद होता है किसी चीज की ऑथेंटिसिटी हो कि फलाने ने उससे सुना, फलाने से सुना, फलाने से, और इंटैक्ट हो, लिखा गया डॉक्यूमेंट्स हो। इस्लाम की हर बारीक नुक्ता, From macro to micro, everything has an accountability and scrutiny from the eons, from the beginning, from the dawn of the ages, since Islam came. ये है इस्लाम की sublimity. एक मैं बात करूंगा बाइबल से जिससे बात खत्म हो जाएगी। यूहन्ना ने यूनुस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के पास यहूदी आए एज यूजुअल, जो उनका ड्रामा होता था, हमेशा बकवासात होती थी। आए, उन्होंने कहा मास्टर रब आए, शो अस द साइन, शो अस द मिरेकल। एक्सक्यूज मी, उन्होंने आके बोला कि मास्टर शो अस द मिरेकल। ये मैं पढ़ रहा हूं मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 38, 39, 40। उन्होंने कहा मास्टर शो अस द साइन और अ मिरेकल इफ यू आर द क्राइस्ट। उन्होंने कहा यू इवल एंड एडल्टरस जनरेशन, जानियों की जनरेशन, गंदी मखलूक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। उन्होंने कहा यू किल प्रॉफिट्स फ्रॉम राइटस एबल टू ज़करिया द सन ऑफ बचरियास, द ब्लड ऑफ द प्रॉफिट्स विल बी ऑन योर शोल्डर्स ऑफ जूस ऑन द डे ऑफ जजमेंट। इनके तो कंधों पे अंबियाओं के कत्ल के खून के हिसाब किताब है। इन्होंने आपको क्या बख्शना है, या क्रिश्चियंस को क्या बख्शना है, हमें क्या बख्शना है, इन्होंने तो नबियों को नहीं छोड़ा। तो कहते हैं कि अगर आप सही मसाया हो तो हमें मोजज़ा करके देखो। अब ईसा इस्लाम ने क्या किया, उन्होंने कहा यू इवल एंड एडल्टरस जनरेशन, देयर शैल बी नो साइन गिवन अनटू इट। कोई मोजज़ा मैं तुम लोगों को नहीं दिखाऊंगा इस बात पर, ओनली एक्सेप्ट द साइन ऑफ यूनुस अलैहिस्सलाम, एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना, एज जोना वाज 3 days and 3 nights in the belly's whale, in the whale's belly, so shall the son of man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. अब आपको मैं इस पर समझाना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। देखिए जो यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली की जो कहानी है ना, मेरा ख्याल वो हर शख्स को पता ही है, वो कोई नई बात नहीं है, अनहोनी बात नहीं है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने एम्फसाइज किया मैं तुम्हें कोई मुआवजा नहीं दूंगा। हत्ता कि यहाँ पे टाइम था वो मुआवजा देते लेकिन नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं सिर्फ तुम्हें एक मुआवजा दूंगा, वो मोज़ा होगा जो नबी यूनुस था उसका। जैसे यूनुस 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह मैं भी 3 दिन 3 रात दुनिया के पेट में रहूंगा। हार्ट ऑफ द अर्थ। असल में हार्ट ऑफ द अर्थ बोला है जिसको आप कह ले कि दुनिया के दिल में रहूंगा वगैरह, या जो भी बात है एक दुनिया के अंदर रहूंगा। अब देखें, क्रिश्चियन से आप पूछें कि भाई यूनुस अलैहिस्सलाम का मोजज़ा क्या था, क्या मोजज़ा था उनका, उसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी जोना चैप्टर 1 और 2। दो ही चैप्टर्स हैं बुक ऑफ जोना, जोनस लिखते हैं लेकिन एस साइलेंट से जोना, यूनुस। उसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर 2 वर्स 1 या 1 से आप ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, लिखा हुआ वहां पे है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को खुदा ने कहा कि तुम जाओ सिटी ऑफ नीनिवा और उधर जाकर लोगों को कहो कि वो रिपेंट करें एंड सैट क्लॉथ एंड एशेज, मतलब वो अपने आप को रिपेंट करें अल्लाह के आगे। इंस्टेड, ये बाइबल पढ़ रहा हूं, इंस्टेड ऑफ यूनुस अलैहिस्सलाम उधर गए, उन्होंने वो चले गए जाफा में, दूसरी शहर में चले गए, जिसकी वजह से खुदा को ये बात पसंद नहीं आई और वहां पर वो समंदर का ही सफर था उसमें वो चढ़ गए। अब जब जा रहे थे तो बीच में तूफान आ गया, ये मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, तूफान आ गया। उसके बाद जो था जोना, यूनुस अलैहिस्सलाम गिल्टी हो गए, उनको पता था कि मैंने खुदा को नाराज किया, खुदा ने मुझे सजा देनी है जिसकी वजह से ये सारे बेचारे जो है ना मारे जाएंगे, मेरे साथ जो लोग हैं। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने लोगों को बोला कि भाई देखो मैं गुनहगार हूं, मैं गिल्टी हूं, तो मुझे ना समंदर से बाहर, ये कश्ती से सही जो भी बेड़ी जहाज उससे बाहर फेंक दो। उन्होंने कहा नहीं, आप एक नेक शख्स लगते हैं, हम आपके साथ ये हरकत नहीं कर सकते, आप अल्लाह के को वलीउल्लाह लगते हैं, हम आपको नहीं फेंक सकते। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम टॉस कर देते हैं, एक जो होता है स्पेक्यूलेट करते हैं। उन्होंने नाम लिखा तो पता चला जी यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो गिल्टी हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने आप को खुद ही फेंक दिया समंदर में। वहां पर जैसे वो गए तो बड़ी सी एक वेल जो होती है, फिश होती है, उन्होंने आके उसको गॉबल कर दिया, उनको स्वेलो कर लिया। 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहे। क्रिश्चियन से पूछे जिंदा थे या मर गए थे? ऑफकोर्स जिंदा थे, डेड और अलाइव। जोनस चैप्टर 2 वर्स 1 में लिखा है योना की किताब में कि ही प्रेड फ्रॉम द belly of the whale, he prayed from the whale's belly, ये बाइबल में लिखा हुआ है। अब आप इनसे पूछें कि क्या मरे हुए लोग दुआ करते हैं? नहीं, और ये दुआ कुरान में भी आई है कि अल्लाह, जब उन्होंने फरमाया कि दुआ की कि अल्लाह ताला मैंने तो अपने आप पे जुल्म कर दिया है और मुझे तो माफ कर दे। तो यहां से आप देखिए यूनुस अलैहिस्सलाम की बात यहां तक क्लियर हो गई। जब मछली ने उनको निकला तो वो जिंदा थे। 3 दिन 3 रात मछली उनको घुमाती रही। उसके बाद शोर जो था उसके ऊपर फेंक दिया। जब फेंका तो क्या वो जिंदा थे कि मर गए थे? जिंदा थे। 3 दिन 3 रात ईसा अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा रहे। लेकिन क्रिश्चियन से पूछें कि 3 दिन 3 रात ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे कि मर गए थे? वो कहते मर गए थे। तो बताएं फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या हो रहा कि जैसे जो यूहन्ना के साथ हुआ, यूनुस के साथ हुआ, वही मेरे साथ होगा। जैसे वो 3 दिन मछली के पेट में रहा और मैं 3 दिन दुनिया के पेट, फर्क यह होगा सिर्फ एनवायरमेंट का, बात एक होगी। मैं फिर पढ़ जाऊं। उन्होंने जब यहूदी ने पूछा कि यीशु मसीह हमें मोजज़ा दिखाने का, नो साइन शैल गिवन अनटू इट एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना, एज जोना वाज 3 days and 3 nights इन द बेली ऑफ द फिश, सो शैल द सन ऑफ मैन, हा कजा, बिल्कुल उसी तरह, सो शैल द सन ऑफ मैन विल बी 3 days and 3 nights इन टू द हार्ट ऑफ द अर्थ। 3 दिन तक जिस तरह यूनुस, उस तरह मैं। यूनुस अलैहिस्सलाम का मोजज़ा क्या था कि वो 3 दिन 3 रात मछली पेड़, उनको मर जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं मरे, ये उनका मोजज़ा था। मैं फिर रिपीट कर जाऊं, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 38, 39, 40। यहूदी आए ईसा अलैहिस्सलाम के पास, कहते हैं मास्टर शो अस द साइन, हमें मोजज़ा दिखाओ अगर तुम सही मसीहा हो। उनका यू इवल एंड एडल्टरस जनरेशन, You always seeketh upon the sign, तुम हमेशा मोजज़ा मांगते हो, मैं तुम लोगों को कोई मोजज़ा नहीं, no moza will be given unto it, no sign shall be given unto it except the sign of prophet Jonah। कोई साइन मैं तुम लोगों को मोजज़ा नहीं दूंगा सिवाय यूनुस के मोजज़ा के। As Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, जैसे यूनुस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा था, सो शैल द सन ऑफ मैन, उसी तरह हा कदा सन ऑफ मैन, ईसा इस्लाम अपने आप को कह रहे हैं, दैट ही विल रिमेन 3 days and 3 nights इन टू द हार्ट ऑफ द अर्थ। मैंने जिससे पहले बताया कि जोना की जो बुक अगर आप पढ़ें तो वहां मोजा लिखा हुआ है, और जोना यूनुस अलैहिस्सलाम का मोजा था कि जब 3 रात और 3 दिन वो मछली के पेट में रहे, उनको मर जाना चाहिए था, यह उनका मोजज़ा था। अगर वो मर गए तो मोजज़ा क्या, खत्म। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को भी 3 दिन 3 रात समहाओ मरना था, जो उनके ऊपर मुसीबतें आनी थी, लेकिन उनको अगर वो मर गए तो मिरेकल खत्म। क्रिश्चियन कहता है भाई मिरेकल हुआ ना, वो मर के फिर जिंदा हो गए। भाई मर के तो सबने जिंदा होना है, मिरेकल क्या हुआ? मिरेकल ये होता है कि अगर आप बाल बाल बच जाए, जिससे स्किपिंग द डेथ फ्रॉम द स्किन ऑफ द टीथ, ये है मिरेकल, बाल बाल बच जाना, और ये होना चाहिए था। क्रिश्चियंस के बकौल 3 दिन 3 रात ईसा अलैहिस्सलाम मर गए, ईसा अलैहिस्सलाम के बकौल यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन 3 रात मछली के पेट में जिंदा रहे। आप बताएं ये लाइक जोना है कि अनलाइक जोना है? प्रोफेसी क्या थी? प्रोफेसी ये थी, हज़रत ईसा ने फरमाया कि जो यूनुस के साथ हुआ वही मेरे साथ होगा, जो उसका मुअजिज़ा है वो वही मेरा मुअजिज़ा है। और यूनुस अलैहिस्सलाम का मुअजिज़ा क्या था कि उनको मर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मरे, लेकिन आपके बकौल ईसा अलैहिस्सलाम मर चुके। ये है असल में वही बात जो मैं बता रहा हूँ कि ये एक जन, ये एक कंजक्चर, ये एक अजम्पशंस को फॉलो कर रहे हैं अपनी बाइबल में कि ये ऐसे हुआ। लेकिन अगर आप कभी गौर करें तो ये इतने कॉन्ट्राडिक्शंस है बाइबल के अंदर, कोई कुछ बोलता है। क्यों? क्योंकि ये टेस्टिमनीज जो है ना, ये सारी आगे पीछे लिखी हुई है। मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, ये सब आगे है। कोई ऐसे थोड़ी कि एक सारे ये हवारी बैठे, हवारी इनमें से है ही नहीं कोई, बाय द वे, जो भी बकौल इनके जो ये कहना चाहते हैं कह दें, ये बैठे। और उसके बाद उन्होंने लिखा, ये थोड़ी कि टैली हो रहा है जैसा हमारे बारे में कुरान मजीद हुआ, या कुरान पे हंसते हैं, या कुरान की कॉम्पिलेशन पे हंसते हैं। तुम लोगों को तुम्हारी बाइबल के ऑथर्स का ही नहीं पता। वही हजरत ईसा साहब ने फरमाया ना, मच्छर छानते रह जाते हो और समोचे ऊंट निगल जाते हो। जस्ट स्टेरिंग एट द नेट एंड स्वेलो द होल कैमल, पूरा स्वेलो कर लो ऊंट, मगर मच्छर छानती जाओ। भाई ये देखो, ये देखना। अपने आप को देखो, जज नॉट दैट यू नॉट बी जज्ड, and of what judgment you're judging others, you hypocrites. Why thou you see the smut in your brother's eye, first remove the beam from your own eye, then see the speck or sliver in your brother's eye. Here ये है हज़रत ईसा, Matthew chapter 7 verse 1। ये हज़रत ईसा ने टेस्ट दिया आप लोगों को कि भाई दूसरों की आंखों में ना देखो, अपनी आंख में धूल देखो, उसके अंदर उसको पहले साफ करो, फिर दूसरों के बारे में। तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है किसी ऑथर का, चले हो तुम कुरान की अरबी पे बात करने। अब तो असल में ना ये जो पॉइंट है ना, मैंने जो अभी आपको कुरान में आयत बता दी है, अल्लाह पाक ने ये एक आयत, पूरे कुरान खामोश है, और सिर्फ एक जगह अल्लाह ने फरमा दिया कि उनको ऐसा लगा, उन्होंने ऐसा किया। और मैंने आपको बता दिया Mark chapter 14 verse 51, द मोस्ट क्रिटिकल जंक्चर एट द लाइफ टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज ऑल हिज डिसाइपल फॉरसुक हिम एंड फ्लेड अवे। सब उनको छोड़ के चले गए, तो किसने देखा क्या हुआ, पता ही कुछ नहीं। तो तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आ रहे हैं तो 2 ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीरें मिलती। एक कह रहे हैं कि आई एम अलाइव, एक जो क्रॉस पे है वो कह रहा है मुझे खुदा तूने तो जलील कर दिया। भाई एक दफ़ा जिल्लत दे दी और एक जगह ग्लोरी कर दी। जिल्लत और ग्लोरी कैसे एक साथ जाती है, मुझे पता है ना, हमें समझाएं। तो असल में ये वो मिसिंग क्यूज़ है, ये मिसिंग लिंक्स हैं जो इनकी क्रूसिफिक्शन के इवेंट में मुख्तलिफ बाइबल में मिलती हैं। बाइबल से मुराद अनाजील इनके बकौल, जो ये मानते नहीं है, जिसका गॉस्पल ऑफ मैरी मैगदलीना है, गॉस्पल ऑफ थॉमस है, गॉस्पल ऑफ बर्नबास है, ये नहीं मानते क्योंकि उसके अंदर क्रूसिफिक्शन की बातें नहीं मौजूद। और अल्लाह पाक ने इतने प्यारे तरीके से बात कर दी है कि वमा कतल, उनको नहीं ऐसा हुआ ना वो सलीब पे चढ़े। और जो लोग इख्तलाफ करते हैं वो शक में हैं, और उनकी शक की वजह से उनकी सारी बुनियाद जो है वो एजम्पशन पे है कि ऐसे शायद हुआ। और अल्लाह ने एंड में कहा ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा अगर हुआ है तो दिखाओ। अगर भाई क्रूसिफिक्शन हुई है तो सारे मामले सीधे होने चाहिए। एक राइटर कुछ और लिखता है, दूसरा राइटर कुछ और लिखता है, तीसरा कुछ लिखता है, चौथा। न क्रिश्चियनिटी का मसला क्या है, क्योंकि पॉल ने बोला अगर ये नहीं हुआ तो क्रिश्चियनिटी खत्म। और क्रिश्चियनिटी खत्म तो आपको पता है इंसान की जमीन के तले पैर के से जमीन निकल जाएगी। तो एक आयत में अल्लाह पाक ने इनकी जमीन नीचे से खींच दी। और यही बात है कि आज तक क्रिश्चियन इस चीज पर डामाडोल है कि क्रूसिफिक्शन हुई थी, कैसे हुई थी, ये एपोलोजेटिक्स क्यों बने। देखिए खुदा नीचे जमीन पर आ गया है, लेकिन इनको अपोलोजेटिक्स बना गया है, मतलब माजराना। ये अब तक सॉरी करते जा रहे हैं, नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, नहीं भाई ऐसे हुआ था। भाई जब खुदा ही नीचे आ गया हुआ है तो खत्म, फिर अपोलोजेटिक्स किस बात की अपोलोजी करते हो। खुदा तुम्हारे साथ चल रहा था, क्यों नहीं बता कर गया कि ट्रिनिटी किस चिड़िया का नाम है? खुदा तुम्हारे साथ चल रहा था, क्यों नहीं बताया कि क्रूसिफिक्शन कैसे कैसे होगी? खुदा तुम्हारे साथ चल रहा था, क्यों नहीं बताया कि ट्रिनिटी का जो असल फलसफा वो क्या है? अब तीन पहले एक था, क्यों? ये सारी बातें खुदा क्यों नहीं बता कर गया? आप लोग को क्यों छोड़ गया कि अपनी इंटरप्रिटेशंस करो? और पॉल कहता है कि गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन आफ्टर कंफ्यूजन बाइबल में मौजूद है। देखें, क्रिश्चियन ये ना समझे कि मैं यहाँ पर आप लोग के जो है ना दिल को तकलीफ दे रहा हूँ। ये बातें सच्ची हैं, ये बातें बिल्कुल सच्ची हैं। आपके पादरी आप लोगों को नहीं ये बताते, आप अपने पास्टर से जाके पूछें, बताएं ये सारी बातें जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं। ये यूनुस, इनसे पूछे यूनुस अलैहिस्सलाम का मोजज़ा क्या था? क्या वो टाइम फैक्टर था? मोजज़ा क्या था? मोजज़ा कि उनको 3 दफा मर जाना चाहिए था, वो 3 दिन 3 रात पेट में एसिड में मछली के, उनको रेजिंग सी था, समंदर था, कोई मजाक नहीं है, उनको मर जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं मरे। तो फिर यूनुस अलैहिस्सलाम को और ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कैसे हुआ? एक उन्होंने कहा सो शल द सन ऑफ मैन, हा कजा अरबी में लिखा हुआ ट्रांसलेशन, इसी तरह हु बहू मैं भी करूंगा, मैं भी रहूंगा और यही मेरा मुल्क है, मैं कोई मौजज़ा नहीं दूंगा सिवाय यूनुस के मौजज़ा। यूनुस का मौजज़ा क्या था? सिर्फ मछली में रहना, या मछली में रह के जिंदा रह के बाहर आना? मौजज़ा पता नहीं क्या था। मछली में जाना मौजज़ा होता है? भाई मौजज़ा ये है कि बंदे को आपने गोलियां मारी और वो जिंदा हो गया, और वो जिंदा रहा, मरा नहीं, मर गया तो मौजज़ा खत्म। और अगर मर के जिंदा होना है तो सारी दुनिया ने मर के जिंदा होना है। इनमें तो मौजज़ा क्या है? क़यामत के दिन नहीं खड़े होना, रेजरेक्शन डे ऑफ रेजरेक्शन क्या कहते हैं, क़याम कहते हैं, खड़े होना, जी के खड़े होना। तो उसमें कौन सा मौजज़ा है? लाज़रस को तो आपके बकौल ईसा अलैहिस्सलाम ने खड़ा करते तो मौजज़ा था ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम उनके जिंदा हो गए, मौजज़ा क्या? लाज़रस भी जिंदा हो गया, वो तो कोई भी जिंदा हो जाता है। अलीशा की जो डेड बोन्स के साथ जो बंदा मारा था वो जिंदा हो गया उनकी टच करते ही जिसम के साथ। भाई ये बातों में मौजज़ा किधर है? मौजज़ा ये था कि उनको मर जाना चाहिए था यूनुस अलैहिस्सलाम को, लेकिन वो नहीं मरे। ईसा अलैहिस्सलाम को मर जाना चाहिए, वो नहीं मरे। हमारे बकौल वो नहीं मरे, हमारे बकौल उनका ये मौजज़ा, उनकी ये प्रोफेसी ठीक है, आपके बकौल ये कॉन्ट्राडिक्शन है। आप इसको अब हमें बता दें। आखिरी बात कर जाऊं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी और कुरान की भी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वेरीली वेरीली आई से अनटू यू एक्सेप्ट योर राइटियसनेस एक्सीड द राइटियसनेस ऑफ द स्क्राइब्स एंड द फारिसीज, Ye shall by no means enter into the kingdom of heaven. There will be no kingdom heaven for you unless you are better than scribes and Pharisees and you follow the commandments. ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कमांडमेंट्स हैं उनको फॉलो करो, जो यहूदियों से, लेकिन किससे? स्क्राइब्स और फारसीज से भी बेहतर तरीके से, मुनाफिकों की तरह नहीं। अगर तुम्हारे अमाल उनसे बेहतर ना है तुम्हारे लिए कोई जन्नत नहीं है। There is no kingdom of heaven for you unless you are better than the Jews. ये आपको नसीहत दे। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, जिसने भी कहा ईसा इब्न मरियम कि वो खुदा है, वो तस्लीस का हिस्सा है, उसने कुफर बका। वक़ाल मसीह, याद करो मसाया ने कहा था या बनी इसराइल अबुदुल्लाह, ओ इसराइल वर्शिप अल्लाह। क्या उन्होंने नहीं कहा बाइबल में ये कहानी वर्शिप धर्मन थाई लॉर्ड विच आर्ट इन द हेवन, मैथ्यू चैप्टर 23 verse 9, एंड कॉल नो मैन योर फादर ऑन दिस अर्थ, किसी को खुदा ना कहो इस दुनिया में। देयर इज वन योर फादर विच आर्ट इन द हेवन, सिर्फ एक ही तुम्हारा रब है जो आसमानों में। मार्क चैप्टर 12:20 मैंने फरमाया कि शमा इसराइल अदना इलाहैन अदना खदो, इसराइल सुनो उस खुदा की इबादत करो जो एक है। मार्क चैप्टर 12 verse 29 में तो उन्होंने फरमाया हज़रत ईसा ने वक़ाल अल मसीह, जब मसीह ने कहा था या बनी इसराइल अबुदुल्लाह, चिल्लों ने इज़राइल अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा रब है तुम्हारा रब है। इन्नहु मैं युशरिक बिल्ला, अल्लाह ने फरमाया इसके बाद किसी ने किसी के साथ भी शरीक किया, ईसा अलैहिस्सलाम को भी हटा दो, अब कोई भी आया, फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना, उसके लिए जन्नत हराम है, वमा वहुवा नार, और फायर ऑफ हेल विल बी द ड्वेलिंग प्लेस, वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, फिर कोई मददगार नहीं आएगा। सूरह अल-माइदा चैप्टर 5 verse 72। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।